हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एसटीसी क्लास के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एसटीसी क्लासेस। आई एम सुरेंद्र मेहता। ये मेरी क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। अगर आप इसके इर्द गिर्द कहीं भी आप आते हो पटना सिटी इंस्टीट्यूट के आसपास, तो आप मेरा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल देरी ना करें क्लास ज्वाइन करने में। कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है। ये मेरा फ़ोन नंबर, और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं ये ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करता हूँ। ये ट्रिगोमेट्री की पार्ट फोर है, ठीक है। ये मैं ट्रिगोमेट्री का पार्ट फोर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उस पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड को देखिए, तो ही इस पार्ट फोर पे आए, वरना आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करें एसटीसी क्लासेस, यूट्यूब पे लिखिएगा एसटीसी क्लासेस, और इसकी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ट्रिगोमेट्री लिखिएगा, ट्रिगोमेट्री का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री पहले आप उसे जरूर देखें। इसको बनाने का बहुत ही शॉर्टेट तरीका, और इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे डाल रखी है, पहले आप उसको जाकर देखें, इसको भी देखें और उसको भी देखें, खूब मल्ला के पढ़ें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने सारा कॉन्सेप्ट पिछले वाले वीडियो लेक्चर में दे दिया है। देखिए रूल क्या है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, टैन 4 डिग्री, टैन 43 डिग्री, टैन 47 डिग्री और टैन 86 डिग्री। इसका मान ये ऑप्शन दिया है, 1 2 3 4 क्या होगा। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि अगर ये टैन और टैन के फॉर्म में है, और 4 और 86 दोनों का सम यदि 90 होता है, 4 और 86 दोनों कितना 90, 47 और 43 कितना 90, तो इसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, फिर से समझिए। 4 और 86 अगर ये 90 होता है, चाहे मैंने इसके पीछे बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप सब में देखना। ये कोई जरूरी नहीं है कि टैन है, साइन रहे, कॉसेक रहे, कॉट रहे, कुछ भी रहे, अगर दोनों का सम 90 पुरता है तो क्या करेंगे हम, एक वैल्यू हो जाएगा उसका आंसर। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज पीछे वाली वीडियो जाकर देखें। इसको देखिए, कॉसेक एक्स इक्वल टू इतना दिया है, तो इतना का मान क्या होगा, ये आप सिर्फ याद रखना, ठीक है। देखिए कोई भी ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन बनाने के लिए पूरा बेसिक यानी क्लास 10th का आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो ही आपको ये समझ में आएगा। देखिए जैसे 1 बटा कॉसेक स्क्वायर 51 डिग्री, इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 51, साइन स्क्वायर 39। इस टैन स्क्वायर थीटा को हम कॉट स्क्वायर 39 लिख सकते हैं। देखिए ना, 51 और 59 90 हो गया, माइनस ये ऊपर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 39 और नीचे साइन स्क्वायर 51। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि देखो 39 51 90 हो गया, कट गया, कितना हुआ वैल्यू 39 और 51 कितना हुआ, जुड़ गया, एक हो गया, तो प्लस 1 और माइनस 1। देखिए अगला लाइन में क्या बचेगा, प्लस 1 और कॉट स्क्वायर 39 को हम लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर 39 माइनस 1, और यहां कितना है माइनस 1, ये कैंसिल, और इतना की जगह क्या दिया हुआ है x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर दोस्तों, अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है, वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा देखें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए और हम क्या कर सकते हैं। मैंने ट्रिगोमेट्री के बारे में बोला था कि कोई भी क्वेश्चन मिले, थीटा का मान पहले 0, फिर 30, 45, 60 और 90,
पर जब टैन और कॉट का फंक्शन रहे तो वैल्यू कितना 45 डिग्री पुट करना है, और साइन और कॉस का फंक्शन हो तो 0 और 90 पुट करना है। ये आप जब बनाओगे क्वेश्चन तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होता चला जाएगा। अब आप थोड़ा सोचो, हम यहाँ तो 90 पुट नहीं कर सकते, अगर 45 डिग्री पुट करेंगे, थीटा का मान अगर हम 45 पुट करते हैं तो 45 दूनी 90, और टैन 90 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इन्फिनिटी का मतलब वैसा वैल्यू जो कॉपी पे एग्जिस्ट नहीं करता हो, इसीलिए यहाँ 45 फुट नहीं करेंगे। जब आप पहले सबसे पहले वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लें तो ही इस वीडियो को देखें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, और आप मेरा अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देरी ना करें। ये पटना सिटी लोहा का पुल नून का चौराहा में ये कोचिंग है। फिर से समझिए, तो थीटा का वैल्यू हम कितना पुट कर दें, अगर 30 पुट कर दें। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही इस पे कमांड आएगा, और जिनका भी पहले से बेसिक पढ़ा उनको बहुत अच्छा लगेगा ये। तो टैन 30 कितना होता है, 1/√3। 30 दूनी 60, टैन 60 डिग्री रूट थ्री कट गया, कितना हो गया 1। तो 1 के बराबर, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, यानी जो हम तरीका अप्लाई कर रहे हैं वो तरीका मेरा सही है। तो आप क्या करो, थीटा का वैल्यू 30 पुट किए थे ना, इसमें रख दो, तो 30 दूनी 60, तो साइन 60 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर, और 30 दूनी 60 टेन 60 डिग्री √3 का होल स्क्वायर, डन। √3/2 कितना 3/4, यहां कितना 3। अब इसको लिखने का तरीका क्लियर, फिर से समझिए, अगर 2+3/4 हो तो इसको लिखने का तरीका, आप ऐसा नहीं कि 4 × 8 = 11/4 करोगे और फिर उसके बाद फ्रैक्शन निकालोगे, ये गलती नहीं करना। तो जरा बोलो तो 5+11/7/11 कितना हो जाएगा, 5.7/11। जिनको नहीं समझ में आया वीडियो फिर से देखिए, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री 1/√3, 30 दूनी 60 टैन 60 डिग्री √3, क्लियर, मतलब मेरा सही है। तो साइन 60 डिग्री √3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, फिर टेन 60 डिग्री √3 का होल स्क्वायर, यहाँ 3/4 और यहाँ कितना 3, इसको कितना ले सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप मेहनत कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लीजिए। देखिए मेरी जो चैलेंज है, चैलेंज सिर्फ इतना है, देखते हैं पहले ये क्वेश्चन है, इसके सामने ऑप्शन कुछ बहुत गजब तरीके का ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं वो समझो। यहाँ 150, देखिए हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, 152, यहाँ देखो कितना दिया, साइन 30 डिग्री, चलिए कॉमन ले लेते हैं साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, यहाँ कितना कॉमन जाएगा 1, एक प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 17 तक, 2 कॉमन लेते हैं यहां से, और क्या कॉमन जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 1/√2 का होल स्क्वायर कितना 2, यहां से हम ये कॉमन लेंगे। अब यहां क्या बचा, 1 बचेगा, यहां क्या बचेगा 2 बचेगा, यहां कितना बचेगा 9, ठीक है।
अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। देखो इसको और भी दूसरा तरीके से सॉल्व कर सकते थे। पहले एक समझो आप कि tn इक्वल टू होता है a प्लस m माइनस 1d, ये बेसिक चीज समझिए। लास्ट टर्म कितना है 17, फर्स्ट टर्म कितना 1, नंबर ऑफ टर्म यहां से निकलेगा ap का यूज कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस d बराबर 3 माइनस 1 दैट इज 2, 17 में से 1 गया 16, 16 बटा 2 8, 10 बराबर कितना, क्लियर? चलिए आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया वीडियो को रिवाइंड कीजिए। तो n बराबर आपको पता चल गया 9, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म जोड़ लगाइए तो 152 10 बाय 2 9 बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। प्लस 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, तो 9 इंटू 9 प्लस 1 बटा 2, ठीक है। देखिए 2 से 2 यहां कॉमन हुआ है, कट गया, तो 9 और 8 17 प्लस 1 बाय 2 तो दैट इज 9, यहां एक बचेगा 71, तो 9 9 81 यानी 152 1 बाय 2 इंटू 81 प्लस 45, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना 114 का होल स्क्वायर आ जाए, ठीक है, आप यहां से सॉल्व कर लेना, नहीं तो खुद देख लो, ठीक है। 152 देखिए इसको दूसरे दो का काटे हैं तो 2 से 14, 2 6 12 और ये 81 प्लस 90 कितना है, 81 प्लस 90 1 1 9 8 17, ठीक है, 14 17। अब चेक कर लेना भाई तेरा गुना काटा फंस गया, 114 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब 114 का होल स्क्वायर आ जाएगा तो क्या है, एक पूर्णांक भी है। देखिए इसमें कह रहा वर्ग नहीं है, पर वर्ग तो है इसलिए कैंसिल, परिमेय संख्या परंतु पूर्णांक नहीं है, इंटीजर तो है इसलिए भी नहीं, अपरिमेय भी गलत, पूर्णांक का पूर्ण वर्ग, ठीक है, क्लियर। तब इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों मेरी इसके पीछे की जो सीरीज है बस क्वेश्चन को, हेलो दोस्तों तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों को अटेम्प्ट लीजिए। मेरा चैलेंज सिर्फ इतना है कि किसी भी क्वेश्चन को सेकंड्स के अंदर बनानी है, विद इन सेकंड्स के अंदर, ठीक है। अगर आप सेकंड्स के अंदर बनाने में कामयाब हो जाते हो तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट माने जाओगे। 30 सेकंड आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। पता है एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, चाहे वो वीडियो 10 मिनट का हो चाहे वो वीडियो 1 घंटे का हो, बहुत मेहनत है। इसलिए दोस्तों हम मेहनत करते हैं आपके साथ, 1 रुपया हमको नहीं मिलना होता है, पर फिर भी सबके पास ये नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों यहां मैं वीडियो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओ, एक अच्छा इंस्टीट्यूट में जाकर क्लास करो, मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है,
यहाँ वैसे लोगों का होता है ना, जो जिनका थोड़ा पहले से बेसिक मजबूत हो और समझ पाते हैं। खैर छोड़िए, इतना टाइम नहीं मेरे पास। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें, आखिर क्या इसमें लगा है कि बहुत जल्दी से बन जाए। आज मैंने क्लासरूम में रखा ये क्वेश्चन सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा दिमाग लगाया, मैं सब पे दिमाग नहीं लगाने वाला, आप भी इसको लगाओ और मैं आपको शॉर्टकट समझाता हूँ मैंने क्या बोला है। जीरो पुट करने को करके देखते हैं, अगर मैं यहां सेक जीरो कितना है, वन, कॉस जीरो वन, ए इंटू वन कितना, कोई सवाल, सेक जीरो वन, साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, टेन जीरो जीरो, क्लियर। तो y बराबर जीरो, z बराबर जीरो, ये जीरो और ये जीरो, जीरो तो सब खत्म, क्लियर। और x बराबर a, x की जगह ये पुट कीजिए a स्क्वायर, कितना आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखिए, ठीक है, खूब मेहनत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन दो टाइप का है, एक क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री और दूसरे क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू 0 टू 90 डिग्री, पर इस केस में देखिए यहाँ इक्वल है, यानी थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, ऑप्शन सेम क्वेश्चन सेम, दोनों को दो तरीके से है। पहला केस डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और अटेम्प्ट लो पहले आप। क्लियर, अब हम देखें पहले केस में कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में, यानी ना 0 होना चाहिए ना 90 होना चाहिए, ठीक है, तो क्या करना है, देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये सब बेसिक फॉर्मूला है क्लास टेंथ का, ये पहले आप कीजिए, ये बेसिक रफ शीट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है, इतना की जगह मान की जगह हम अगर के पुट कर देते हैं, इतना की जगह हम के पुट कर देते हैं, इसका मान निकालना है हमको, ठीक है, पुट कर देते हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या निकला, 1 बटा इतना, यानी 1 बटा, क्लियर, आई होप सो, नोट कर लिए होंगे, कॉपी निकालिए, कॉपी निकाल के बैठिए और खुद अटेम्प्ट लीजिए पहले, क्लियर, यह हो गया। सॉल्व करते हैं क्लास टेंथ, 2 से 1 थीटा इज इक्वल टू के प्लस 1 बटा के, डन। सेक थीटा बराबर देखिए कितना दिया हुआ है, के बराबर कितना, क्लियर। तो हम यही बताना चाहते हैं आपको, इसको समझिएगा तो बहुत तेजी से बनेगा। मैटर ये है कि हम क्लास अलजेब्रा में ये पढ़ाए थे कि अगर ए 2 के बराबर बी 3 के बराबर ऐसा हो सकता है, इसलिए के 2x के बराबर ए के 2x के बराबर, ठीक है। चलिए जिनको नहीं समझ आया फिर से देखिए कि इस केस में, हाँ अब बोलोगे सर दोनों में क्या डिफरेंस है,
तो हम आपको डिफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाएंगे। फिर से समझिए इसको, sec theta is equal to x plus 1 बटा 4x है, ये दिया है एंगल, इतना का मान निकालना है। ये सारे ये FCI मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू जब 0 से 90, 0 होना चाहिए और ना ही 90 होना चाहिए, ठीक है। थीटा का वैल्यू ना ही 0 होना चाहिए और ना ही 90 होना चाहिए। इस केस में क्या किया कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू k मान लिए, क्योंकि ये निकालना था हमको। और इस फॉर्मूला से जानते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर होता है 1 बटा sec थीटा प्लस tan थीटा। इतना की जगह k माने थे 1 बटा k मान लिए, क्लास 10 अप्लाई किए प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा कट गया, sec थीटा 2 sec थीटा k प्लस 1 बटा k के लिए। अब देखिए sec थीटा बराबर दिया हुआ है x प्लस 1 बटा 4x, x प्लस 1 बटा 4x, इसको गुना किए 2x बाय 2x, k 2x के बराबर, ये k से बराबर, k बराबर कितना 2x। क्लियर? इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा जितना शॉर्ट हो सकता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत हो रही हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसी से हमको एनर्जी मिलेगा और हमको अच्छा लगा क्योंकि वो मेरा वीडियो देखता भी है, नहीं तो मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, इस केस में एंगल क्या है कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 के, यानी थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। तो समझते हैं क्या, देखिए sec थीटा बराबर x बटा 1 प्लस 4x है, आप x का मान 1 बाई 2 पुट करो, ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 बाई 2 पुट होगा। तो अगर हम यहाँ 1 बाई 2 चलो 1 बाई 2 यहाँ पुट करते हैं, कितना हो गया 1, और sec थीटा का वैल्यू 1 कब होता है जब थीटा का मान 0 डिग्री, sec 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री कितना, यानी इस सारे समीकरण में से जिसका मान भी 1 आ जाए वो मेरा सही होगा। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, x का वैल्यू 1 बाई 2 पुट करो, 1 आ गया, यहां 1 बाई 2 खत्म, यहां 1 आ गया पुट करो 1। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको समझिए और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को ज्यादा टिपिकल है नहीं, ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसको बनाओ, ठीक है। मैं इसमें एक सॉलिड तरीका अप्लाई करने वाला हूं, ये जो दिख रहा है आपको ये 10 और ये 17 है, आप सबको जोड़ो, क्या ये दोनों का जोड़ 90 आता है? अगर 90 आ गया तो आपका क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो हम इतना को मान लेते हैं, क्या थीटा मान लेते हैं, मान ले थीटा, थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये क्या है 90 माइनस थीटा, इतना क्या लिख सकते हैं बोलिए, डन। इसको क्या लिख सकते हैं थीटा, अब देखिए तो क्वेश्चन कितना क्लियर हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा, साइन थीटा बराबर कितना आता है ए, और टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर कितना है ए, साइन थीटा बराबर कितना है ए, डन। चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच किया, अभी तक कोई नहीं मैच किया, कोई बात नहीं, ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए
बटा कितना अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर, एक कॉमन कर लिए, कॉमन कर लीजिए। क्लियर? कौन सा मैच किया? डन। तो कितना इजी तरीके से मैंने इसको बताया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लगे रहिए ट्रिगोमेट्री की ऑडियो, मैं बहुत सारा वीडियो डालूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। खूब मेहनत करें, जीत दौड़ लगा के जान लगा के मेहनत करें। और आप मेरा क्लास, अगर आप मेरे इर्द गिर्द पढ़ते हो तो आप रहते हो तो आप मेरा कोचिंग ज्वाइन करें, या फिर किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ जाकर क्लास करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको जॉब लेना है तो ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करना कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।